हेलो फ्रेंड्स, आज हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एग्जाम की स्टडी के लिए एक और प्रैक्टिस शीट स्टडी करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल लिया है और उसके नीचे पॉइंटर्स दिए गए हैं। हमने यहाँ पर 7 पॉइंटर्स लिए हैं, जो कि मैंने प्रैक्टिस के लिए थोड़े से ज़्यादा लिए हैं। एग्जाम में इसे आपको कम आएंगे, 5 पॉइंट्स आएंगे, बट हम ज़्यादा से प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हम एग्जाम में अपने 5 पॉइंट्स टाइम पर कंप्लीट कर पाए। क्योंकि हमें जो टाइम दिया होगा उसमें 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उस 10 मिनट में हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी प्रैक्टिस शीट को स्टडी करेंगे मेरी वीडियोस को देख करके, या वैसे भी प्रैक्टिस करते हैं, तो अपना टाइम सेट कर लें। क्योंकि आपको 10 मिनट में वो कंप्लीट करना है, तो आप उसका टाइम सेट करके अगर आप ये 7 पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं तो 5 इजिली पूरे हो जाएंगे वहां पर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ड्रो द टेबल इन द स्प्रेडशीट एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो हमें ये टेबल सेम बनाना है स्प्रेडशीट में। चलिए, कितने हमारे यहाँ पर 6 कॉलम्स हैं एंड 5 रोज हैं, हमें ये सेम बनाना है वहां पर। यहाँ पर प्रोडक्ट हमें गिवन है 1, 2, 3 एंड 4। हम स्प्रेडशीट में जाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स हम ले लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेल प्राइस। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम्स बने हैं जो कि ब्लैंक है अभी फिलहाल, बट हम इसे सेम बनाएंगे। हमें कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करना होगा, हम इसे डबल क्लिक करके भी फोटो साइज कर सकते हैं। कैश डिस्काउंट एंड नेट पेमेंट, इसे भी हम ऑटो साइज कर देते हैं। चलिए देखिए, यहां पर हमारा टेबल एक बार के लिए बन गया है। अब हम इसे बॉर्डर दे देंगे जैसा कि हमें यहां पर दिया गया है क्वेश्चन पेपर में। तो हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे जो हमने डेटा टाइप किया है, और होम टैब में जाकर के यहाँ पर ये बॉर्डर का ऑप्शन दिया गया है, वहां से हम ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन पेपर में हमें ऑल बॉर्डर वाला टेबल दिया गया है। ओके, इसके बाद हमें देखना है कि कोई फॉन्ट को चेंज किया गया है। फॉन्ट यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉलम है उसे बोल्ड किया गया है एंड फर्स्ट रो को भी, हेडिंग रो को। तो हमें फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करके बोल्ड कर देना है यहाँ से बी पर क्लिक करके, एंड ऐसे ही फर्स्ट जो हमारी हेडिंग रो है उसे भी हमें बोल्ड कर देना है। ओके, इसके बाद हम अलाइनमेंट चेक करेंगे। हमारा जो टेबल का अलाइनमेंट है, फर्स्ट कॉलम का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट की साइड है, बट बाकी सभी कॉलम्स सेंटर में हैं। तो हम सेम अलाइनमेंट देंगे, हम इस सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जैसे हमें वहां पर दिया गया है, थोड़े थोड़े बड़े कर लेते हैं, विड्थ ज्यादा कर देंगे। ओके, यहाँ पर हमें इस टेबल को, इस फर्स्ट कॉलम को हमें लेफ्ट अलाइनमेंट देना है। ये चेंज नहीं दिखा रहा कुछ भी इसमें, क्योंकि ये पहले से ही लेफ्ट साइड पर है, एंड उसके बाद के सभी कॉलम्स हमें सेंटर में लेने हैं। हम सेलेक्ट करके उसे सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा टेबल एक बार के लिए बिल्कुल क्वेश्चन पेपर जैसा हो गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है, ड्रो द कॉलम ऑफ ट्रेड डिस्काउंट दैट इज 10% ऑफ सेल प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट का कॉलम हमें दिया गया है, वो 10% होगा सेल प्राइस का। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला के हेल्प से 10% का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए हमें इक्वल टू का साइन लगाना होगा, एंड जिसका हमें परसेंटेज निकालना है पहले उस प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, सेल प्राइस वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे जो कि हमारा स्टार का साइन है, शिफ्ट एंड 8 नंबर के साथ एक साथ प्रेस करके आता है। उसके बाद हम 10 और परसेंट का साइन लगा देंगे एंड एंटर। देखिए यहाँ पर 1000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट 10% आ गया है यहाँ पर। और इस फॉर्मूला को अगर हमें कॉपी करना है तो
राइट बॉटम कॉर्नर से हम इसे ड्रैग कर सकते हैं माउस की हेल्प से। देखिए हमारा फॉर्मूला कॉपी हो गया है बाकी सेल्स में भी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम, ड्रो द कॉलम ऑफ नेट सेल प्राइस दैट इज सेल प्राइस लेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। हमें नेट सेल प्राइस का कॉलम बनाना है जो कि कैसे आएगा, सेल प्राइस लेस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट यानी कि सेल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद नेट सेल प्राइस आएगा। तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू सेल प्राइस, क्योंकि हमें सेल प्राइस में से माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट को, तो सेल प्राइस के बाद हम माइनस का साइन लगाएंगे एंड फिर ट्रेड डिस्काउंट सिलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर। देखिए यहाँ पर 900 रुपीज आ गया है। फिर से हम राइट बॉटम कॉर्नर से इसे ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। राइट, यहाँ पर हमारा नेट सेल प्राइस आ गया है। हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं, ड्रो द कॉलम ऑफ कैश डिस्काउंट दैट इज 5% ऑफ नेट सेल प्राइस। कैश डिस्काउंट का कॉलम हमें बनाना है जो कि नेट सेल प्राइस जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उसका 5% है। तो देखते हैं, इक्वल टू नेट सेल प्राइस को हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसी का हमें 5% निकालना है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 5% एंटर। तो इसे भी हम फॉर्मूला को ड्रैग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर से कुछ फिगर्स हमारी राउंड फिगर में नहीं आती हैं, तो उसे हमें राउंड फिगर कर देना है, डेसिमल पॉइंट को हटाना है, जिसके लिए यहाँ पर पॉइंट है डिक्रीज डेसिमल, राउंड फिगर हो गया, इसे भी हम कर लेते हैं, ये राउंड फिगर हो जाएगा। हमें राउंड फिगर ही रखना है जब तक कि हमें क्वेश्चन पेपर में नहीं बोला गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ड्रो ए कॉलम ऑफ नेट पेमेंट दैट इज नेट सेल प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। नेट पेमेंट का कॉलम हमें बनाना है जो कि कैसे आएगा, सेल प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, नेट सेल प्राइस दिस माइनस कैश डिस्काउंट। तो हम उसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का, इक्वल टू नेट सेल प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट एंड एंटर। देखिए ये फॉर्मूला भी यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये कॉपी हो गया है, यहाँ पर फिर से कुछ डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं तो हम इसे कम कर सकते हैं यहाँ से डिक्रीज डेसिमल से। राइट, तो अब हमारा जो शीट है कंप्लीट है एक बार के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं, ड्रो ए रो ऑफ मैक्सिमम ऑफ नेट सेल प्राइस। एक रो हमें ड्रो करना है नया जिसमें नेट सेल प्राइस का मैक्सिमम दिया गया हो, मतलब मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ये नेट सेल प्राइस का कॉलम है, इसके नीचे हमें एक रो बनाना है और इसमें से हमें मैक्सिमम नंबर ढूंढना है फॉर्मूला के हेल्प से। तो हम यहां पर लिख लेते हैं मैक्सिमम सेल प्राइस। राइट, अब यहां पर हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे मैक्सिमम का जो कि होता है इक्वल टू एम ए एक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और जिन नंबर्स में से हमें मैक्सिमम नंबर ढूंढना है वो सारे नंबर्स हम सेलेक्ट करेंगे माउस की हेल्प से, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर देंगे एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए ये जो है 1170 ये हमारा मैक्सिमम नेट सेल प्राइस है। तो इस भी डेटा को, इन दोनों को भी हम यहाँ से बॉर्डर दे देंगे, ऑल बॉर्डर दे देंगे, या पूरी रो को ही देना चाहिए क्योंकि हमें रो बनाने के लिए बोला गया था, हम पूरी रो को भी बॉर्डर दे सकते हैं क्योंकि ये पूरी रो आ जाएगी। राइट, तो इस तरह से हमारा टेबल बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सेट द पेज मार्जिन टू 80% ऑफ नॉर्मल साइज। तो चलिए पेज साइज देखते हैं हम, उसके लिए हमें पेज लेआउट में जाना होगा एंड यहाँ पर साइज का ऑप्शन दिया गया है। अगर हमें A4 लीगल, A3, A5 पेपर का नंबर दिया गया है तो हम यहाँ से चूज करेंगे, बट हमें क्या लेना है नॉर्मल का 80%, तो उसके लिए हम मोर पेपर साइजेस में जाएंगे एंड यहाँ पर देखिए एडजस्ट टू, यहाँ पर अभी क्या है 100% ऑफ नॉर्मल साइज है और हमें कितना लेना है 80%, तो हम यहाँ पर 100 की जगह हटा करके 80 कर देंगे एंड ओके कर देंगे। तो पेज का जो मार्जिन होगा हमारा 80% जो साइज है 80% हो जाएगा नॉर्मल साइज का। तो इस तरह से हम इसे साइज दे सकते हैं कस्टम में जाकर के। तो अभी हमारे सारे पॉइंटर्स कंप्लीट हो गए हैं, यहाँ पर 7 के 7 पॉइंट्स। इस तरह से हम अपना टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपना टाइम सेट करें और इन सारे ऑप्शन को 7 के 7 पॉइंट्स को 10 मिनट से पहले पहले कंप्लीट कर लें, सो दैट कि हमें एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप प्रैक्टिस करती रहिए, मैं और शीट्स लाती रहूंगी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच।